फ्रेंड्स, मेरा इंतजार हो रहा है। कोई बात नहीं, मैं आ गई। उफ, ये लॉकडाउन, नो पार्टी, पार्टी पीपल्स क्राइंग, नो प्रॉब्लम। सॉल्यूशन मेरे पास है, मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए जिंजर लेमन बियर। जी हाँ, बियर, वो बियर जो आप अपने हाथों से खुद बनाएंगे और उसके बाद पार्टी करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं इसमें क्या क्या चीजें चाहिए और इसका प्रोसेसिंग कैसा है। मैं आज आपको फर्स्ट पार्ट इस वीडियो में दिखाऊंगी और उसके साथ साथ ही इसका सेकंड पार्ट भी लॉन्च करूंगी, क्योंकि फर्मेंटिंग होने में 3 दिन लगता है। तो ठीक है, चलते हैं, पहले इंग्रेडिएंट्स देखते हैं, उसके बाद प्रोसेस। आपको मैं मेजरमेंट समझाती हूँ। हमें 250 ग्राम अदरक चाहिए, 4 बड़े साइज के नींबू चाहिए, 1 किलो चीनी चाहिए और 1 चम्मच यीस्ट चाहिए। उसके अलावा हमको 5 लीटर पानी का ऐसा बड़ा जार चाहिए जिसमें 5 लीटर पानी होना चाहिए। और उसके अलावा हमको एक पेन चाहिए, एक नाइफ चाहिए, एक ग्रेडर चाहिए, एक ऑरेंज जूस निकालने का जूसर चाहिए, एक सेलो टेप चाहिए, एक छाननी चाहिए। महत्वपूर्ण चीज जो है, हमें इस तरह का एक चार्ट बनाना है। हमें डेट ऑफ प्रिपरेशन करना है, जिसमें आज मैं बना रही हूँ तो आज का मैंने डेट डाला है। टाइम ऑफ कम्प्लीट प्रिपरेशन, जब मेरा कम्प्लीट हो जाएगा तब मैं यहाँ पे टाइम डाल दूंगी। उसके बाद फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे करके आपको लिखना है और इधर डेट और टाइम लिखना है। ये मैं आपको बाद में समझाऊंगी। इस तरह का एक लेवल बना के सेलो टेप के मदद से आप अपने बॉटल में इस तरह से, जिस बॉटल में प्रिपरेशन करेंगे उसमें इसको आप चिपका दीजिएगा। आइए हम सबसे पहले अदरक के लिए समझ जाए। अदरक हमें इसको छिलके के साथ ही कट के पीस करना है, तो इसलिए इस तरह के अगर जो भी गंदगी वाले अदरक है इसको हम इस तरह से काट के हटा दें, अच्छी तरह से साफ करके। और उसके बाद हम इसको गर्म पानी में, यह हमारे पास गर्म पानी रेडी है, उसमें हम आधा चम्मच बेकिंग सोडा लेंगे और इसको हम इस पानी में डालेंगे। हम ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे को जो अदरक छिलके के साथ चाहिए, तो अदरक में कोई जर्म ना हो इसलिए हम इस तरह से अदरक के ऊपर इसको डालेंगे और डाल के हम तकरीबन 2 मिनट तक इसको भिगो के रखेंगे। और भिगो के रखने के बाद हम इसको फिर पानी से बहुत अच्छी तरह से, मैं अदरक अच्छी तरह से धो के लेके आई हूँ, हम इसको इस तरह से छोटे छोटे चंक में कट कर लेंगे ताकि हमें ग्राइंड करने में आसानी हो जाए। लीजिए, मेरा 250 ग्राम अदरक कट चुका है। अब हम इसको मिक्सी में ट्रांसफर करेंगे। 5 लीटर जार से उतना पानी डालना है ताकि अदरक हमारा डूब जाए। देखिए, हमारा अदरक का पेस्ट बहुत अच्छी तरह से हो गया है, इतना फाइन नहीं चाहिए, दरदरा भी रहेगा तो भी चल जाएगा। इसको अब हम एक साइड में करेंगे और अब हम लेंगे नींबू। सबसे पहले इस तरह से छोटे से कद्दूकस में रगड़ लीजिए, रगड़ के उसके स्किन में से स्किन को उतार दीजिए। 4 नींबू का रस भी इसमें निकल गया और इधर हमारा अदरक का पेस्ट भी तैयार हो गया। हमने 2 लीटर पानी भगोने में डाला है, हल्का गर्म होना शुरू हो गया तो हम 1 किलो चीनी इसको पूरा डाल देंगे। डाल के धीरे धीरे करके हिलाएंगे तब तक जब तक ये चीनी घुल ना जाए। चीनी जब पूरी तरह से घुल जाएगा फिर हम इसमें अदरक का पेस्ट डालेंगे। चीनी घुल गया है, अब हम इसमें धीरे धीरे करके पूरे अदरक का पेस्ट इसमें डाल देंगे। जो थोड़ा बहुत अदरक मिक्सी में रह गया है उसको हम इसी के पानी से खोल के और ये अदरक पूरा इसमें देंगे। अब हम इसको सेम आंच में पकाएंगे। आपका ये सिरप तैयार हो गया। इसका एक बहुत अच्छा इंटीमेशन ये है कि आपको पूरे घर में अदरक का खुशबू आ जाएगा। जिस टाइम में आपको दिखेगा कि खुशबू बहुत पूरे घर में फैल गया है और किचन में भी खड़े होकर इसका स्मेल ले पा रहे हो कि हाँ हो गया है, देखिए कलर भी चेंज हो गया है,
ठीक है। इस परिस्थिति में आप गैस को बंद कर दीजिए और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिए। तो ठंडा होने के बाद रूम टेम्परेचर में आने दीजिए, उसके बाद हम नेक्स्ट प्रोसेस में जाते हैं। देखिए इस तरह से उसको जितना हो सके दबा दबा के उसका जूस निकाल। इस तरह से सारा हम अदरक का जूस है उसको हम सारा इसमें पोर कर देंगे और साथ में हम ये नींबू का रस भी डाल देंगे। ईस्ट हमको एक चम्मच इतना हमने इसमें डालना है। देखिए उसका रिएक्शन शुरू हो गया अंदर से। देखिए 11:45 कर दिया, हमारा एक काम खत्म हो गया। अब हम रेस्ट करेंगे एक घंटे तक। एक घंटे बाद यानी कि 12:45 में हम इसको दोबारा एक बार इसमें गैस फॉर्म होगा उसको हमने हल्का सा ऐसे खोलेंगे और रिलीज करेंगे। तो वो प्रोसेस मैं आपको आके दिखाऊं, जब एक घंटा हो जाएगा मैं दिखाऊंगी। उससे पहले, रखने से पहले एक बार पूरे बॉटल को उल्टा कीजिएगा, फिर उसके बाद सीधा कीजिएगा और करने के बाद ड्राई और अंधेरे जगह पे इसको स्टोर कीजिएगा। देखिए 12:45 हो गया है। अब हम इसके गैस के ढक्कन को हल्का सा खोलेंगे और धीरे धीरे हम खोलेंगे और थोड़ा सा गैस को, जो छोटा सा हल्का सा गैस हुआ है उसको हमने रिलीज कर दिया। अब हम इसको बंद कर देंगे अच्छी तरह से। अब जो मैंने आपको ये डेट समझाया था, तो देखिए 12:45 AM में हमने फर्स्ट गैस रिलीज किया है। अब कल 13:04 हो जाएगा फर्स्ट डे। आप सवेरे 11 बजे एक बार इसी तरह से गैस को रिलीज करना है और रात को 11 बजे दोबारा। फिर सेकेंड डे यानी 14 तारीख को फिर दोबारा एक बार गैस 11 बजे गैस रिलीज करना है, एक बार रात को 11 बजे। फिर थर्ड डे 15 अप्रैल को हमने फिर दोबारा एक बार 11 बजे सुबह गैस रिलीज करना है, एक बार रात को 11 बजे रिलीज करना है। तो अब मैं आपसे कल सवेरे 11 बजे इसका गैस को रिलीज करके देखाऊंगी और आप देखिए धीरे धीरे इसका कलर भी चेंज होता जा रहा है, आपका बियर का कलर आना शुरू हो चुका है। 11 बज चुके हैं। तो इस तरह से आप पहले 13 तारीख की डेट को कट कीजिए, डे वन है उसको कट कीजिए, 11 बजे आपका टाइम को आप कट कीजिए ताकि आपने वो प्रोसेस कर दिया। फिर उसके बाद हल्का सा आप ढक्कन को पकड़ के ट्विस्ट कीजिएगा और फिर इमीडिएटली बंद कर दीजिएगा। अब आपको मैं दिखाती हूँ कि इसका फर्मेंटिंग शुरू हो चुका है, ये देखिए, और साथ में कार्बोनेटिंग भी जमा होना शुरू हो गया है। ठीक है, तो मिलते हैं 3 दिन बाद जब मेरा ये पूरा रेडी हो जाएगा। सो दोस्तों, आज आपने सीखा किस तरह से बियर का प्रिपरेशन होता है और उसको फर्मेंटिंग में कैसे बना डाला जाता है। तो ठीक है, अब हम आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे इसकी बॉटलिंग और इसको किस तरह से आप इसे यूज में ला सके। हाँ दोस्तों, जब तक मेरा सेकंड वीडियो आता है आप अपनी तैयारी कर लीजिए और आपके बियर को फर्मेंटिंग में डाल दीजिए। और हाँ, एक चीज का जरूर ध्यान रखिएगा, आपके पास जैसा भी कांच का बॉटल हो, चाहे वो सॉस का बॉटल हो, बियर का बॉटल हो, जैम का बॉटल हो, कुछ भी जो कांच का बोतल है, उन सबको गर्म पानी से धो के स्टेरिलाइज करके रखिए, क्योंकि आपको बॉटलिंग में वही बॉटल काम आएगा। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिए, जो भी बॉटल आप स्टेरिलाइज कर रहे हैं उनमें ढक्कन जरूर हो। और हाँ, इस वीडियो के लिए एक लाइक तो बनता है। मैंने अपने इस वीडियो के साथ अपने यूट्यूब चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप उसको क्लिक कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल में जाइए। वहां से आप सब्सक्रिप्शन बटन को क्लिक कीजिए और साथ में बेल आइकन क्लिक करना मत भूलिएगा। आप बेल आइकन को क्लिक करेंगे तभी तो इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। तो क्यों नहीं इसका फायदा उठाए, तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को क्लिक जरूर कीजिए। और हाँ, सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखिए, मास्क जरूर यूज कीजिए जब आप बाहर जाएंगे, क्योंकि वी हैव टू स्टे सेफ, पार्टी भी तो करना है। अंटिल दैट, बाय।